गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप गाइज यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज मैं इस वीडियो में अपना आफ्टर वन मंथ शेविंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने अपना फर्स्ट शेविंग एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा देन मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो मेक श्योर आप उसको देख लीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मैं क्या क्या आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करने वाली हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों का सोचना है गाइस कि शेविंग करने के बाद में हेयर बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेयर आने लगते हैं और हेयर थिक आने लगते हैं, ब्लैक आने लगते हैं। तो बहुत सारे ये मिथ्स है गाइस, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि वन मंथ हो चुका है और मेरे हेयर उतने नहीं नज़र आ रहे हैं। आई थिंक वन मंथ से ज़्यादा हो चुका है। मैंने इस वीडियो को इसलिए थोड़ा लेट किया क्योंकि मुझे उतने हेयर नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं चाहती थी कि हेयर अच्छी तरह से ग्रो हो उसके बाद मैं शेयर करूं। बट मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे इस हेयर ग्रोथ के बारे में पूछा कि मेरे आफ्टर वन मंथ हेयर किस टाइप के आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं अब वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए गाइस पहले मैं अपना फेस शेव कर लेती हूँ क्योंकि इंट्रो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं शेव कर लेती हूँ और आपको उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि पहले के कंपैरिजन में अभी हेयर ग्रोथ कितने हुए हैं। तो आपको शेव करने के बाद पता चल ही जाएगा कि हेयर कितने निकल रहे हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि हेयर कितने निकल रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट। गाइस आप लोगों को पता है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बार बार नहीं बताऊँगी, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि एलोवेरा जेल, ये टिश्यू पेपर और ऑफकोर्स ये रेज़र की ज़रूरत पड़ेगी गाइज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और गाइज आपको अपना फेस एकदम बेयर रखना है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ मेरा ये लिपस्टिक है थोड़ा सा बस, और कुछ भी नहीं लगाया मैंने। तो आपको अच्छी तरह से एलोवेरा जेल लगा लेना है, मैं फिर भी शॉर्ट में बता दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया हुआ है और आप देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है मेरा फेस, बहुत ही क्लीन लग रहा है। मैं आपको हेयर दिखाती हूँ कि कितना हेयर निकला हुआ है, तो आप देख सकते हो बहुत ही कम अमाउंट में हेयर निकला हुआ है पहले के कंपैरिजन में। फर्स्ट टाइम जब मैंने शेव किया हुआ था, आप जाके उस वीडियो में देखिएगा, बहुत उसमें हेयर निकला था, बट अभी बहुत ही कम हुआ है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हेयर उतने, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हेयर उतने नहीं आते हैं जितना आप लोग सोचते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है, हेयर जैसे नॉर्मल आते हैं वैसे ही आता है। और बहुत सारे स्किन पे डिपेंड करता है किसका स्किन कैसा है। जैसे मेरे स्किन में उतने हेयर नहीं आते हैं, आप देख सकते हो, मतलब उतने हेयर नहीं आते। और बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उन पर क्या है कि बहुत हेयर आते हैं, तो उनका भी उतना नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग आईब्रो अपना थ्रेड करवाते हैं तो वो कैसे आता है 15 दिनों के बाद में, तो उसी टाइप से ये आएगा जिस 15 दिनों के बाद में, मगर मेरे को लगता है कि उससे भी कम आएगा। गाइस मैं पहले एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, बहुत
थोड़ा सा ड्राई लगने लगता है गाइस, ख़त्म भी हो गया, थोड़ा सा ड्राई लगने लगता है तो इसके बाद में आपको अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल आपको ज़रूर लगाना है। टोनर बिल्कुल भी नहीं लगाना है टोनर, क्योंकि टोनर क्या है कि आप शेव करने के बाद में मानो अगर कहीं भी थोड़ा सा कट लग गया होगा तो उसकी वजह से टोनर लगाने से आपको थोड़ा जलन हो सकता है, तो टोनर मत लगाइएगा। एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छी तरह से लगाइएगा, फेस ड्राई होने लगता है। हाँ, अब मैं बताती हूँ कि किन किन लोगों को ये करना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिसका एक्ने प्रोन स्किन है उसको एक बहुत बड़ा नो है, बहुत बड़ा नो, उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिनका एक्टिव एक्ने है उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और जो 18 के इधर बिलो है उनको भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी 18 के बाद से जैसे 20-21 है तो वो कर सकते हैं, बट इधर बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं करना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें हेयर बहुत ही थिक आने लगते हैं, ब्लैक आने लगते हैं, तो आप देख सकते हो रिज़ल्ट यहीं पे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे जितने भी हैं सब मिथ है, बल्कि इससे क्या है कि आपका स्किन एक तरह से आपका तो हेयर निकालता ही है, आपका स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्क्रबर से क्या होता है कि हम लोग जब स्क्रब करते हैं तो उतनी अच्छी तरह से नहीं निकल पाता है डेड सेल, तो इसको शेविंग करने से क्या है आपका जो ऊपरी परत है उसको वो बहुत ही अच्छी तरह से निकालता है, तो इससे बहुत अच्छा ये एक तरह से एक्सफोलिएट हो जाता है। बहुत सारा इसमें बेनिफिट है, आपका स्किन तो एक नेचुरली बहुत अच्छी तरह से ग्लो करने लगेगा, बहुत ही साफ़ सुथरा आपको अपना फेस लगेगा, और आपका जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्लाइड होगा। अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो क्या है कि फाउंडेशन लगाने के बाद में थोड़ा पैचिनेस लगने लगता है, तो वो इसी वजह से होता है कि वो अपना फेस शेव नहीं करवाते हैं, इस वजह से उनका लाइन्स बनने लगता है, तो इसी वजह से फाउंडेशन पैची लगता है। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट है गाइस, आप ट्राई कर सकते हो, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। मैंने जैसे बताया था कि 45 डिग्री में रख कर छोटे छोटे स्ट्रोक लेने हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, आप फिर इजली आप कर सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, और ये एकदम पेनलेस है। अगर आप वो जो होता है ना कि ऐसे निकाल के करते हो उसमें बहुत ही पेन होता है, तो ये एक तरह से मतलब आपको उतना पेन भी नहीं देगा, तो एकदम ये सेफ़ है। और मैं तो बोलूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप शेव नहीं करते हो तो आप करना स्टार्ट कर दो, अगर आपका फेस में उतना हेयर नहीं है। जैसे मेरे फेस में उतना हेयर नहीं है तो मुझे उतना नीड नहीं होता है करवाने का, इसलिए मैं थोड़ा वेट करी, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया और तब जाके मैंने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि मुझे उतने हेयर नहीं आते। अगर आपके हेयर नॉर्मल ऐसे रुएंदार वाले होते हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा थिक आने लगता है, मतलब बहुत थोड़ा एकदम मैनली वाला फील होता है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, एकदम सेफ है। तो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर गाइज थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टिल देन बाय बाय गाइज।